दोस्तों ये बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए, रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक शेयर बटन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके शेयर कर दीजिए। हाय दोस्तों, स्वागत है आपको ऑनलाइन इंडिया जॉब चैनल में। दोस्तों हम सब लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं और व्हाट्सअप में हमें बहुत सारा स्टेटस दिखाई देता है, तो हम चाहते हैं उस स्टेटस को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए, लेकिन हम डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी से स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों मैं आपको दो तरीका दिखाने वाला हूँ, तो सेकेंड जो ट्रिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, दोस्तों शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे और यहाँ पे आपको नीचे एक लाइक बटन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री होता है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ से आपको कुछ कमेंट करने का ऑप्शन आता है, तो जो भी आपके माइंड में है वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आप और कुछ जानना चाहते हो यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमारा ट्रिक शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्टेटस सेवर। दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो करने के बाद सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको कुछ सेटिंग का अलाउ मांगेगा, तो आप उसको अलाउ कर देना यानी कि परमिशन ऑन कर देना। देन यहाँ पे देखिए कोई फोटो इमेज या वीडियो में कुछ नहीं है। चलिए देन आपको करना क्या होगा दोस्तों, सिंपली आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सअप ओपन करना है और व्हाट्सअप ओपन करने के बाद जो स्टेटस आपको व्हाट्सअप में दिख रहा है तो उसको आपको कम्प्लीटली देख लेना है। चलिए दोस्तों मैं इस स्टेटस को कम्प्लीटली देख लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने ऑलरेडी स्टेटस को देख चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है माय नंबर व्यूड अपडेट, यानी कि ये मैं व्यू कर लिया। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपल आपको उस एप्लीकेशन में जाना है जो हमारा है स्टेटस सेवर है। दोस्तों इस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक जो वीडियो आप वहाँ पे व्यूज़ करते हो, तो यहाँ पे देखिए इमेज में आ गया, अगर हम वीडियो में क्लिक करते हैं तो वो वीडियो जो हमने देख लिया है वो वीडियो भी यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ से आप किसी अगर इसको शेयर करना चाहते हो, ये देखिए मैंने शेयर में क्लिक किया, व्हाट्सअप, यूट्यूब, काइन मास्टर, फेसबुक, जीमेल, तो कहीं भी अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से सेव कर शेयर कर सकते हो। अगर प्ले करके देखना चाहते हो तो यहीं से भी आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों मेरा पहला ट्रिक। दोस्तों दूसरा ट्रिक जो इंटरेस्टिंग है आप देखिए ध्यान से, तो इसमें दूसरा ट्रिक में आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपको अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर ओपन करना है, देन आपको जाना है यहाँ पे व्हाट्सअप में, ठीक है। व्हाट्सअप एक फाइल होता है तो आपको व्हाट्सअप में जाना है। व्हाट्सअप में जाने के बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर देखिए थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्लिक करके आपको जाना है सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई देगा शो हिडन फाइल, तो आप इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपको बैक जाना है, देन आपको एक फोल्डर दिखाई देगा जिसका नाम होगा स्टेटस, तो आपको इसको ऑन करना है, ओपन करना है। देन देखिए दोस्तों जो वीडियो जो फोटो हमने वहाँ पर दिखा था यहाँ पर भी ऑलरेडी आ चुका है, देखिए दो फोटो और दो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने स्टेटस को देख सकते हो और वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोनों में से आपको कौन अच्छा लग रहा है तो उसको फॉलो कीजिए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा, ज़रूर अपना आपका जो स्टेटस था वो डाउनलोड हो रहा होगा। दोस्तों फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, कुछ कंप्लेन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप और कुछ व्हाट्सअप के रिलेटेड सीखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको अपने कीमती समय दे के हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।